लोकसभा चुनाव का प्रचार अब गति पकड़ने लगा है। इसी क्रम में झांसी ललितपुर भाजपा प्रत्याशी अनुराग शर्मा के समर्थन में अभिनेता और बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला बरुआ सागर पहुंचे। भाजपा नेता व्यापार मंडल अध्यक्ष संदीप जैन, महिला मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष मीनू राजावत सहित दर्जनों भाजपाइयों ने जोरदार स्वागत किया। एक पत्रकार वार्ता में राजा बुंदेला ने अब की बार 400 पार के संकल्प को पूर्ण करने पर जोर देते हुए कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते हुए कहा, अब सिर्फ जय श्री राम विपक्ष का काम तमाम, तभी करेंगे आराम। सर, जिस तरीके से भाजपा नारा लगा रही है 400 पार 400 पार, क्या लग रहा है इस बार 400 पार सच में होने वाला है या केवल हवा में बातें रह जाएंगी? एक बात आप समझ लें, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और इसके साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासभा, हिंदू वाहिनी, हमारे बहुत सारे संगठन हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। हमारी कोई भी, हमारा इवन घोषणा पत्र भी, हमारे कई हुई नेताओं की कोई भी बात हवा हवा ही नहीं होती। एक सालों का आकलन होता है और उस आकलन को उसका विश्लेषण करके फिर उसकी घोषणा की जाती है और वो घोषणा लगभग जो पिछली बार से दो सीटों से हम चले हैं, लोकसभा की दो सीटें थी ऊपर हमने 180 की, फिर हमने 257 की ऊपर 300 की, उसी हिसाब से हम 370 करेंगे और मिला जुला जो हमारा प्रयास है, जो हमारा संघर्ष है वो 400 का है। निश्चित तौर पर हमारे पार्टी के जितने भी जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, हमारा जो वर्कर है, वो सब इस संदेश को, प्रधानमंत्री के और बड़े नेताओं के संदेश को समझता है और वो जानता है कि 400 का मतलब है हमारे हाथ में एक ऐसा वो मिलेगा जिससे हम देश की भलाई के लिए निश्चल रूप से काम कर सकें। जैसा कि जानकारी है, आप लगातार मांग कर रहे हैं बुंदेलखंड राज्य बनाने की, तो पिछले 10 सालों से भाजपा सत्ता में है पूरे देश में और प्रदेश में भी आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी है भाजपा की और मध्य प्रदेश में भी है, तो कहाँ अड़चने आ रही हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है बुंदेलखंड राज्य बनाने में? दो चीज़ें आप समझ लें, कोई भी प्रस्ताव अगर आपको केंद्र से पारित करवाना होगा, चाहे छोटे राज्यों का या और बड़ा कोई प्रस्ताव, उसके लिए आपको दोनों ही सदन का बहुमत चाहिए होता है, लोकसभा का भी और राज्यसभा का। पिछले कई सालों से शिवसेना हमसे हट गई है, श्रीमणि अकाली दल भी हट गया है, बहुत सारे घटक हमसे छूट गए हैं, तो राज्यसभा में हमारा अभी तक कोई बहुमत नहीं है। प्रस्ताव अगर हम लोकसभा में अलग राज्य का मनवा भी लेते हैं तो राज्यसभा में वो नहीं पास हो पाएगा। एक बार अगर आपका प्रस्ताव राज्यसभा में फेल हो गया फिर आपको उसको रिवाइव करने के लिए सालों लग जाएंगे। हम खुद भी नहीं चाहते, इसलिए उस मांग को दबाया नहीं और ना ही ख़त्म किया। ये उचित समय नहीं है। जब राज्यसभा में बहुमत पूर्णता होगा, लोकसभा में बहुमत पूर्णता हो गया है, तब हम दमखम से कहेंगे कि अब हमें आप ये हमें ये अधिकार दीजिए, स्वराज हमें आप अपना राज्य दीजिए। और इसके अलावा हमारे बांदा हमीरपुर महोबा के सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल लगातार बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं लोकसभा में और उस पर पार्टी की सहमति है। और आज नहीं कल तो 2024 के बाद मुझे पूर्ण उम्मीद है, हमारी पार्टी को भी विश्वास है कि 3 अलग राज्य आपको बनेंगे, विदर्भा, बुंदेलखंड और पूर्वांचल, इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें, इंडिया गठबंधन भी सारी पार्टियां लगभग मिल चुकी हैं इंडिया गठबंधन में, तो उन्हें भी इतना कॉन्फिडेंस है कि हमें भी अच्छी खासी सीटें मिलने वाली हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, शेख चिल्लियों को विचारधारा पर कोई पाबंदी थोड़ी है, आप कुछ भी सोचिए, बच्चा रोए और कहे हमें चांद चाहिए तो चांद थोड़ी मिल जाता है। राहुल गांधी को कई बार तो मौके मिल चुके हैं, अब उनके बारे में मैं क्या कुछ कहूँ, इतना वो खुद ही अपने बारे में जो बोलते हैं प्रयास कर देते हैं। और गठबंधन किन का, एक नेता के प्रति जनता की आस्था नहीं है। मैं शुरू से उठा के कहता हूँ, शरद पवार को ले लीजिए, उनके खिलाफ उनका भतीजा खड़ा हुआ, अब महाराष्ट्र से लेके यहाँ तक चले जाइए, एक विरोधी नेता नहीं है जिसमें कहीं कोई आस्था और निष्ठा हो। लालू यादव खुद घेरे हुए हैं किसी तरह से, ममता बनर्जी वो खुद उन पर कोई केस नहीं है लेकिन उनके भतीजे पे केसेस है, उनके मंत्रियों पे केसेस है। आप भी, और शिबू सोरेन उनका बेटा जेल में है, अरविंद केजरीवाल जो बहुत बड़े नेता बनते थे उनके तीन तीन चार चार मंत्री जेल में हैं। भाई, इस तरह की आस्था और निष्ठा बनाने के लिए जो मोदी की है
उस तरह का त्याग, उस तरह का काम भी तो होना चाहिए। गठबंधन बनाने से थोड़ी होता है, एक मटके में सब डाल दोगे उससे कोई स्वाद थोड़ी आता है, और बदबू आ जाएगी, खराब हो जाता है। उसमें कम से कम आप वो इंग्रेडिएंट्स डालने पड़ेंगे जो उस जिसको उसको चीज़ को बनाएंगे। इंडिया गठबंधन में जो लोग शामिल हुए वो डर की वजह से शामिल हुए, और आप सब जानते हैं सबके पीछे इतने बड़े बड़े केसेस हैं, आज नहीं कल ईडी सीआईडी सीबीआई सब पकड़ेंगे, सब धरे रह के जाएंगे। तो वो मौका ऐसा रहा कि वो खत्म हुए, यही मायावती के समय हुआ। हम ये नहीं कहते कि विचारधारा की लड़ाई होनी चाहिए, लेकिन विचारधारा के साथ आटा और नमक होना चाहिए। नमक नमक तो नहीं खा सकता है। क्यों दो बार माननीय अखिलेश यादव जी हारे, क्यों मायावती जी की पार्टी लगभग खत्म होने के कगार पे आ गई, उसकी वजह है कि समाज ने उनको काटा है, जनता ने उनको वोट नहीं दिया है। किसी बीजेपी ने किसी के बंदूक रख के तो वोट नहीं लिया है। योगी दूसरी बार आए इसलिए आए कि लोगों को भरोसा था योगी में और योगी जी के काम पे भरोसा था। इन लोग ये इसलिए रिजेक्ट हुए, और एक राज्य से दूसरे राज्य तक सपा नहीं बढ़ पाई। मुझे बताइए, मध्य प्रदेश में इन्होंने कोशिश की है, इन्होंने पूरी तरह से हरियाणा दिल्ली में कोशिश की है, एक सीट नहीं जीत पाए। आप अपने समाज अपने जातियों के बल पर, अच्छी बात है आपको वोट दिया जनता ने, आपको विश्वास दिखाया, लेकिन वो उसको आगे बढ़ना चाहिए था ना। हम तो जब पूरी की पूरी कांग्रेस 400 सीट पे थी तब 2 सीटें थी, और फिर 200 सीट से हम लोग यहाँ 400 की बात कर रहे हैं, तो कार्य तो हुआ है ना। तो बुंदेलखंड विकास में भी समय इसलिए लगा। वो आखिरी बात का जवाब, जैसे जी जी यहाँ की नदियों का पानी हमें नहीं मिल रहा था, यहाँ की जो बिजली हम बना रहे थे हमें नहीं मिल रही थी, अब उस व्यवस्था में परिवर्तन आया है। बुंदेलखंड में विकास बोर्ड बना के हमारा पानी पहले हमें मिलना चाहिए, हमारे पानी में हमारा हक है, हमारी बिजली में हमारा हक है। और अब व्यवसायी आने शुरू हो गए, बुंदेलखंड का झांसी का आपका एयरपोर्ट शुरू हो रहा है, चित्रकूट में एयरपोर्ट शुरू हो गया है, कितने आपकी ये ट्रेनें नई चली हैं, आप उनका तो देखिए ना, गतिमान चल रही है, एक और वो अभी नई कौन सी वंदे भारत, ऑल ओवर वंदे भारत है सर। जैसे कि ट्रेन की बात हो रही है, तो भरवो सागर लोगों की एक मांग समझ लीजिए आप, या मेरा सवाल समझ लीजिए, भरवो सागर में बुंदेलखंड एक्सप्रेस की मांग लगातार चल रही है, ठहराव जो कि लॉकडाउन के बाद बंद हो गया था, लेकिन पिछले 5 सालों में सांसद जी द्वारा अभी तो फिलहाल मांग पूरी की नहीं हुई, चंबल तो अलग रुकी है, तो क्या आगे होगा? आप 4 जून के बाद ये जो मांग के पेपर हैं आप मुझे दीजिए, इसमें जरूरत ही नहीं सांसद की। 2 आदमी आप दिल्ली आइए, मैं आपको रेल मंत्री जी के सामने बैठा ले देता हूँ, वो खुद ऐसी मांगे चाह रहे हैं जहाँ पे उनको फुटफॉल दिखे, उनको दिखे, यात्री दिखे। आप देखिए क्या है, आप एक दरवाजा बार बार खटखटाएंगे, अगर वो आपको वहां से जवाब नहीं मिल रहा है तो 10 और दरवाजे हैं भाई। आप पढ़े लिखे लोग हैं, 4 लोग दिल्ली पहुंच जाएं, मंत्रियल में मंत्री के मुझसे कहें कि साहब भरवा सागर आए, जिला झांसी के हम लोग हैं, हमारी ये मांग है, आपको तुरंत उनका सचिव समय देगा, उचित मांग होगी तुरंत वो नोटेशन को लिए भेज देंगे। आइए सुनते हैं क्या खास कहा राजा बुंदेला ने।